हम खुदा उनके बहुत शुक्रगुजार हैं उसके फजल के लिए, उस मोहब्बत के लिए जो उसने अपने बेटे के वसीले से अपने लोगों से की। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। मैं एक अर्ज़ करता चलूं कि आज हम ईद क़यामतुल मसीह सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मसीहत के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूं कि मसीहत नाम है ज़िंदगी देने का, दूसरों के लिए भलाई पैदा करने का, चाहे वो कोई भी इंसान है, किसी भी मज़हब से, किसी भी फिरके से जो ताल्लुक़ रखता है, मसीहत नाम है उसको ज़िंदगी देने का, उसको खुशियाँ बांटने का और उसके लिए सलामती की दुआ करने का। मसीहत का जिस्मानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, मसीहत रूहानी सच्चाई है जो हमने खुदावन यसु मसीह के वसीले से देखी। खुदा यसु मसीह के वसीले से जो मुर्दों में से जी उठा, ईद क़यामतुल मसीह हुए, उसके हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज तक नबियों में, पैगम्बरों में, रसूलों में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको अपनी मौत का इलम हो कि मैं फ़लाँ दिन मरूँगा, फ़लाँ घड़ी मेरी मरने की है। किसी को कोई इलम नहीं सवाए खुदावंद यसु मसीह के, क्योंकि वो जानता है, वो जानता था कि मैं फ़लाँ दिन मरूँगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा। और जो शख्स अपनी मौत के बारे में जानता है, मौत के टाइम के बारे में जानता है, यहाँ तक कि अपने जी उठने का भी टाइम बताता है, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो इलाही हस्ती है, क्योंकि ज़िंदगी की बातें सिर्फ उसी के पास हैं। वही हमारी सलामती है, वही हमारी ज़िंदगी है और वही ज़िंदगी और मौत का इख्तियार रखता है, क्योंकि वो ख़ुद फरमाता है क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। और जिसके हाथ में क़यामत है, जी उठना है, ज़िंदगी है, जो सब इख्तियार रखता है, जो सब कुछ जानता है, वो कोई इंसान नहीं है, वो इलाही हस्ती है। खुदा का शुक्र है कि हम उस ज़िंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं जो ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा, और हम ज़िंदा खुदावंद के ज़िंदा लोग हैं और हमेशा उसी की फरमाबरदारी में हम उस यसु नाम में कायम हैं, और हम दूसरों के लिए हमेशा भलाई पैदा करने के लिए इस रूए ज़मीन पर मसीह के नुमाइंदे हैं जो दूसरों की भलाई चाहते हैं, दूसरों की ज़िंदगी। खुदावंद इस ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर सबको बरकत दे, सबको सलामती दे, चाहे वो किसी भी मज़हब और फिरके से ताल्लुक़ रखता है। खुदावंद सबको बरकत दे। आमीन।